इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना जारी है। और देखिए 90 सीटें, जो हरियाणा की 90 सीटें हैं, उन सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 90 सीटों में कांग्रेस बढ़त के साथ आगे नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार मतगणना जारी है और जो शुरुआती रुझान है वो क्या कहते हैं, ये आप खुद हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में ये 56 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 28 सीटों पर कायम है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है और 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। ये हरियाणा की सभी 90 सीटों के रुझान है, जो शुरुआती रुझान वो सामने आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। 56 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 28 सीटों पर आगे है हरियाणा में, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी इस वक्त आगे है। ये बड़ा अपडेट है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, आपको बता रहे हैं 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को यहां बढ़त मिलती हुई देखी जा रही है, बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए 90 सीटों के जो शुरुआती रुझान का आंकड़ा है वो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 56 सीटों पे कांग्रेस इस वक्त आगे है। बीजेपी की अगर बात कर ले तो 28 सीटों पर बीजेपी है और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 56 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ये बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में नजर आ रही है। ये जो रुझान के आंकड़े हैं ये आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए लगातार जिस तरीके से हरियाणा की सत्ता की अगर बात कर ले तो 10 सालों से वहां पर बीजेपी का कब्जा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि एक बार फिर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जो चुनावी प्रक्रियाएं थी, जितनी भी स्ट्रैटेजी थी, अब वो काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से हरियाणा में जो अपनी रणनीति बनाई उस हिसाब से कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वही अब बात कर ले जम्मू कश्मीर की, तो वहां भी 90 सीटों के जो शुरुआती रुझान का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर भी जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है उसको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के खाते में 30 सीटें जा रही हैं। तो वहीं एनसी और कांग्रेस के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पीडीपी की अगर बात कर ले तो 9 सीटें उनके खाते में है और अन्य भी 5 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। लगातार ये जो शुरुआती रुझान के आंकड़े हैं ये आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले तो 90 विधानसभा सीटों पर यहां पर चुनाव हुए थे और कहीं ना कहीं 90 सीटों का जो आंकड़ा है वो अब स्पष्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये रुझानों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। हरियाणा की बात कर ले तो बीजेपी इस वक्त 28 सीटों पर है और कांग्रेस आप देख रहे हैं बहुमत का आंकड़ा भी पार होता हुआ जा रहा है। 56 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त देखी जा सकती है और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले तो एनसी और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में भी ये सीटें जाती हुई नजर आ रही है। करीब 45 सीटों पर एनसी और कांग्रेस जो है वो इस वक्त काबिज है। बीजेपी की बात कर ले तो 30 सीटों का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं बीजेपी के खाते में जाता हुआ। पीडीपी के खाते में 9 सीटें और अन्य 5 सीटों पर इस वक्त काबिज है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में जम्मू कश्मीर में 90 सीटों का जो आंकड़ा है वो आप देख रहे हैं। शुरुआती रुझान क्या कहते हैं ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।